फ्रेंड, मैं उस्यानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देखिए, मैंने ये पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और इसकी एक चौड़ी सी पट्टी पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन बताऊँगी। तो मैंने देखिए पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे पट्टी को। ये देखिए, मैंने इसको उलट कर सीधा कर लिया। अब इसको हम अच्छे से हाथों के साथ से प्रेस कर लेंगे, फिर दोनों साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी ये स्टिच करना है पट्टी को। तो मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच या फिर 2 इंच के करीबन रखी है। अब इसको मैं दोनों साइड से देखिए पार्ट्स को कट करके अलग कर दिया है। अब इसको एक साइड करेंगे। ये मैंने अस्तर का कप जो ब्लाउज के लिए अस्तर का पीस लिया है और इसकी लेंथ मैंने देखी 13.5 रखी है। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देंगे और नीचे के साइड भी मार्किंग देखिए मैंने कर दिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन से इसको बराबर कर देंगे। अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच पे मार्क कर देते हैं, इसको बराबर कर देंगे। अब गले का डिज़ाइन मैं मटका शेप में डाल रही हूँ तो पूरा मार्किंग कर लिया है मैंने। अब इसको हम कट कर देंगे। ये मेरा गला देखिए कट चुका है। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा बिल्कुल बराबर में इसके रख लिया है। अब अच्छे तरीके से पूरा हम गले को कट कर देंगे। तो देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से पूरे गले की कटिंग कर दी है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में हम फैला लेते हैं, बिल्कुल बराबर कर देंगे और पूरे गले की हम स्टिचिंग कर लेंगे। एक सिलाई लगा के हम पूरे गले को स्टिच कर देते हैं। मैंने ब्लाउज का गला देखिए पूरा स्टिच कर दिया है। अब इस पर हम कट्स लगा देते हैं पूरे गले पर। मैंने कट्स लगा लिया। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। तो अच्छे तरीके से पूरा सीधा कर लीजिएगा। अब इसको एक सिलाई लगा के हम फिर से स्टिच कर देंगे। तो मैंने गले की स्टिचिंग देखिए कर दिया है। अब मुझे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। तो अस्तर कपड़े को देखिए मैंने गले की स्टिचिंग की है। अब पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा ब्लाउज की स्टिचिंग कर दी है। अब गले पे डिज़ाइन करेंगे हम। तो ये मैंने जो पट्टी कट की थी इसको मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी ब्लाउज के साथ में, आप वीडियो में देखते रहिए। इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज के गले के पे रखते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। तो मैं नीचे के साइड से पट्टी को रख रही हूँ, बीच में गैपिंग देते जाइएगा और इसके इसको डबल फोल्ड करके फिर इसके बाद हम इसको रख के स्टिच कर रहे हैं गले पे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको पूरा ये डिज़ाइन समझ में आ जाए कैसे मैं बना रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने पूरा स्टिच कर दिया है तकरीबन। तो मेरा गले पे ये डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है। अब इस पर हम और डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैंने पट्टी ली है दूसरी। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर सकती हूँ। आप जितना चौड़ा चाहे उतने चौड़े के में फ्रिल्स बना सकते हैं। तो मैंने 3 इंच की चौड़ाई पे पट्टी ली थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड करके पट्टी को बना लिया है। अब मैं ब्लाउज ले लिया है। अब इसके गले पे हम फ्रिल्स को डबल फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। और मैं कैसे फ्रिल्स बना रही हूँ आप वीडियो में देखिए। इसको मैं डबल फोल्ड करके फिर गले पर स्टिच कर रही हूँ। से मैं ऐसे ही आप भी गले पे डबल फोल्ड करके स्टिच करते हो फ्रिल्स को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये देख लीजिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा फ्रिल्स गले पे बना दिया है मेरे डिज़ाइन में, देख लीजिए। अब गले पे मुझे डेकोरेशन करनी है तो मैं लैस ले लेती हूँ पूरा गले पे लगाने के लिए। और इस लैस को हम अच्छे तरीके से बराबर में रखते हुए पूरा स्टिच कर देते हैं।
सेम जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा गले पे लैस को। मेरे गले पे लैस एक साइड से स्टिच हो चुका है, दूसरे साइड से भी हम अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली देखे लैस दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब ब्लाउज को मैं एक साइड कर देती हूँ और ये मैंने देखी डोरी लिया है, मार्केट में आपको मिल जाएगी ये डोरी, इसके साइड में हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है, अब इसका किस तरीके से मैं फ्लावर्स बनाऊंगी आप वीडियो में देख लीजिए। मैंने डबल फोल्ड करते हुए फिर फ्लावर्स को हम अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं डोरी के साथ में। ये देख लीजिए मैंने फ्लावर्स को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है, अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं। ये मेरी फ्लावर्स देखिए मैंने सीधा कर दिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी बना देंगे। मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली बना लिया है फ्लावर्स को। अब इस ब्लाउज हम लेंगे और इस डोरी को हम ब्लाउज के जो कज मैंने बनाया है उसको उसमें डाल देंगे। तो मैं कैसे डाल रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने एक साइड से पूरा डाल दिया है कज में, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हम डाल देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली डोरी को डाल दिया, इसको नीचे के साइड से अच्छे तरीके से बांध लेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे बांध रही हूँ। ये देख लीजिए ये मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। अगर आपको मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए इस लेटेस्ट डिज़ाइन ब्लाउज देखने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।